भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए गठबंधन आज बड़ी जीत के साथ फिर से एक बार सत्ता पर काबिज हो चुकी है। ऐसे में सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के कौन से ऐसे फैसले थे जो काम कर गए, या कौन सी ऐसी स्कीमें थीं जो जनता को भाग गई, जिसके चलते दक्षिण भारत को छोड़कर देश के अधिकांश हिस्सों में एनडीए को मतदाताओं ने बढ़ चढ़ कर वोट दिया। हम आज आपको मोदी सरकार के ऐसे ही 5 दाव के बारे में बताएंगे जिसके चलते मोदी सरकार फिर से एक बार सत्ता पर काबिज हो चुकी है। आयुष्मान भारत। सितंबर 2018 में लॉन्च हुआ आयुष्मान भारत योजना बेहद कम समय में काफी कारगर रही। ये योजना इसके तहत देश के 10 करोड़ परिवारों और 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिली। मोदी सरकार की ये स्कीम इतनी सफल रही कि लॉन्चिंग के बाद सिर्फ 8 महीने में 18 लाख से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिला। आयुष्मान भारत योजना की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक 2,79,63,698 लोगों को ई कार्ड्स भी बांटे जा चुके हैं। इस योजना से अब तक 15,291 अस्पतालों को जोड़ा जा चुका है। सौभाग्य योजना। मोदी सरकार ने भारत के हर घर तक बिजली पहुंचाने के लिए सहज बिजली हर घर योजना 25 सितंबर 2017 को लॉन्च की थी। इसके तहत 30 राज्यों के 2.62 करोड़ घरों को बिजली कनेक्शन मुहैया कराया जा चुका है। इस योजना के तहत जिन लोगों का नाम साल 2011 की सामाजिक आर्थिक जनगणना में है, उन्हें सौभाग्य योजना के तहत मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया जाना है। वहीं जिन लोगों का नाम सामाजिक आर्थिक जनगणना में नहीं है, उन्हें बिजली का कनेक्शन सिर्फ 500 रुपए के शुल्क पर मिल सकता है। ऐसे लोग ये 500 रुपए भी 10 आसान किश्तों में चुका सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना। नरेंद्र मोदी सरकार ने मकान खरीदना या बनाना आसान बनाने के लिए वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना पेश की थी। पहले ये योजना सिर्फ गरीबों के लिए थी, लेकिन बाद में होम लोन की रकम बढ़ाकर इसके दायरे में शहरी गरीबों और मध्य वर्ग के लोगों को शामिल कर लिया गया। शुरुआती प्रावधानों के मुताबिक प्रधानमंत्री आवास योजना में होम लोन की रकम 3 से 6 लाख रुपए तक थी, जिस पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ब्याज पर सब्सिडी दी जाती थी। अब इसे बढ़ाकर 18 लाख रुपए तक कर दिया गया है। उज्ज्वला योजना। केंद्र सरकार ने गरीब परिवारों को रसोई गैस का लाभ देने के लिए मई 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की पेशकश की थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को घरेलू रसोई गैस यानी LPG का कनेक्शन देती है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना केंद्र सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से चलाई जा रही है। इसके तहत कुल 8 करोड़ BPL परिवारों को फ्री में LPG कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। उज्ज्वला योजना की वेबसाइट के मुताबिक अभी तक इस योजना के दायरे में देश के 714 जिले आ चुके हैं और 7,19,12,113 परिवारों को गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं। और आखिरी है स्वर्णों को आरक्षण। मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले स्वर्ण आरक्षण का दाव चला था, जो काम करता दिख रहा है। वर्ष 2019 की पहली कैबिनेट बैठक में सरकार ने गरीब स्वर्णों के लिए 10% आरक्षण जैसा ऐतिहासिक फैसला किया था, जिसके लिए संविधान में संशोधन भी कर दिया गया। तो ये थी वो 5 ऐसे दाव जिसके चलते मोदी सरकार ने आज जीत का परचम लहरा दिया है और एक बार फिर भारत की जनता के दिल में राज करते हुए मोदी सरकार फिर से सत्ता पर काबिज हो चुकी है।